चंदन, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरओ भाग 2 के अंतर्गत जो पाठ्यपुस्तक है उसके अंतर्गत जो पाठ दिए हुए हैं उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये काव्य खंड है शमशेर बहादुर सिंह जी और इनके द्वारा रचित उषा। आज हम इनके जीवन परिचय और इनकी रचना को पढ़ेंगे और समझेंगे। कवि परिचय। जन्म 13 जनवरी 1911, मृत्यु 12 मई 1993। जीवन परिचय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ। उनके पिता का नाम तालिब सिंह था और माँ का नाम परम देवी बहन की मृत्यु 12 मई 1993 को हुई। शिक्षा, इनकी आरंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा गोंडा से की, बीए इलाहाबाद से किया, किन्हीं कारणों से एमए फाइनल ना कर सके। 1935-36 में वकील बंधु से पेंटिंग कला आदि सीखी। व्यक्तित्व, तो उनके जीवन का अभाव कविता में विभाव बनकर हमेशा मौजूद रहा। वामपंथी विचारधारा प्रगतिशील साहित्य से प्रभावित रहे, प्रगतिशील साहित्य से प्रभावित रहे। उन्होंने स्वाधीनता और क्रांति को अपनी निजी चीज की तरह अपनाया। रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, इतने पास अपने, चूका भी हूं और नहीं मैं, चूका भी हूं नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर की गजलें। भाषा, हिंदी तथा उर्दू के कवि हैं। इनकी शैली अंग्रेजी के काव्य एजरा पाउंड से प्रभावित है। उन्होंने विचार के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि, बिंब धर्मी शब्दों से रंग रेखा स्वर और पूंजी की अद्भुत कशीदाकारी करते हैं। उर्दू शायरी में संज्ञा विशेषणों से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं और अव्ययों और मुहावरों को दिया। साहित्य में स्थान, 1977 को साहित्य अकादमी पुरस्कार चूका भी हूँ नहीं मैं के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 1989 कवि सम्मान से सम्मानित हुए। कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति के क्षण-क्षण परिवर्तित दृश्य का वर्णन सूर्योदय के माध्यम से किया। कवि कहते हैं कि प्रातः सूर्योदय से पूर्व आकाश का रंग नीला गहरा होता है, गहरा नीला रंग होता है, गहरा नीला रंग होता है, मानो नीला शंख हो। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न उपमानों से उपमा देते हुए कहते हैं कि कुछ समय पश्चात जब वातावरण की नमी साकार होती है तो ग्रामीण रसोई को चूल्हे की राख से लिपा जाने पर जो रंग दिखता है वैसा रंग आसमान का हो जाता है। इसके पश्चात सूरज निकलने से ठीक पहले उसकी किरणों के लाल रंग से आसमान की गालिमा ऐसी होती है जैसे किसी ने पत्थर के टुकड़े पर केसर पीस कर धो दिया हो या स्लेट पट्टी पर लाल रंग के चौक को घिसा हो। इसके पश्चात जब सूरज ऊपर निकलने लगता है तब उसकी स्वर्णिम आभा को देखकर लगता है मानो कोई गौर पड़ने का मानव नीले सागर जल में झिलमिला रहा हो। इस प्रकार उषा काल का दृश्य किसी जादू की तरह समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सत्संदर्भ प्रसंग पद्याचों की व्याख्या है। पहला है, प्रात नव था बहुत नीला शंख जैसे भोर का रंग, राग से लीपा हुआ चौक अभी गीला पड़ा, बहुत काली से जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी। शब्दार्थ समझिए, नव आसमान आकाश, भोर
काटने से लीपा है पोतना, लीपना चौका रसोई घर बैठकर खाना खाने वाला स्थान, से यानी काला चपटा पत्थर जिस पर रखकर क्या पीसते हैं मसाले या चटनी पीसी जाती है, स्लेट चौकोर काला पत्थर जिस पर क्या बच्चे लिखकर प्रारंभिक अक्षर का ज्ञान लेते हैं, खड़िया यानी सफेद खड़िया पत्थर जो स्लेट पर लिखने के काम में आता है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक आरोप पाठ के अंशों से अवतरित है, इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह। प्रसंग स्वयं उर्दू और हिंदी का द्वाव मानने वाले प्रकृति के कुशल चितेरे कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रस्तुत पद्यांश में उषा काल में आकाश में होने वाले परिवर्तनों का मनोहारी चित्रण किया। व्याख्या समझते हैं। कवि प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि अभी वो नहीं फटी है, सुबह का समय है, रात्रि के तम को चीर कर तम अंधकार को चीर कर नई ऊर्जा के संचार के लिए सूर्य उदय होने वाला है, संपूर्ण सृष्टि बाल रवि की अवगानी में मानो आतुर है। इस समय आकाश का रंग शंख के रंग के समान गहरा नीला दिख रहा, जैसे जैसे सूर्य का समय समीप आ रहा आकाश के रंग निरंतर परिवर्तन हो रहा, अब उसका जो रंग है रात भस्म से लीपेगा उस चौक के समान गहरा स्लेटी हो गया जो अभी सूखा नहीं अर्थात गीला है। धीरे धीरे आसमान में सूरज के निकलने के संकेत मिलने लगे, अब आकाश का जो रंग गुलाबी लिए हो चला है, ऐसा लगता है मानो किसी ने स्वयं काली पत्थर किसी चपटी सिर पर लाल रंग का केसर पीसा हो और उसके बाद उसे हाल में ही धो दिया हो। जिस प्रकार धोने के बाद सिर पर केसर का लाल रंग जो है अपनी छाप क्या करता छोड़ता है, उस प्रकार आसमान में भी लालिमा छाने लगी है, या फिर यूं कहिए कि किसी बच्चे ने अपनी काली स्लेट पर लाल रंग की जो खड़िया अथवा क्या है चाक मर ली। काव्य सौंदर्य सूर्योदय से पहले पूर्व प्रातः काल अत्यंत क्या है मनोहारी वर्णन किया गया है। उषा काल में आकाश के रंगों में क्रमशः होने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। शंख जैसे राग कड़ा है उपमालंकार है, नए विभवों का उपमानों का सुंदर प्रयोग है। सुबह के आकाश के लिए नीले शंख और आसमान की नमी के लिए राग से लिपे हुए चौक का इसमें वर्णन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। शब्दार्थ गौर यानी घोड़ा, झिलमिल चमचमाहट, देह शरीर काया, जादू तिलिस्म आकर्षण, सौंदर्य उषा प्रातःकाल, पौ फटने से पूर्व का समय सूर्योदय यानी सूर्य का निकलना। संदर्भ जैसे कि मैंने पूर्व बताया। प्रसंग नए बिंबों एवं नए प्रतीकों के प्रयोग धर्मा कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्य की किरणों की तुलना किसी गोरी काया वाली सुंदरी से करते हुए प्रातः काल का मनोहर वर्णन किया। व्याख्या समझते हैं। सूर्योदय से ठीक पहले के प्रातः काल का वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं कि धीरे धीरे आसमान की लालिमा अब छटने लगी है और अब आसमान का जो रंग है वह कैसा हो गया नीला हो चला। दूर क्षितिज से रह रहकर चमक बिखेरती सूर्य की रश्मियां ऐसे लग रही हैं जैसे कोई गोरे रंग की सुंदरी नीले जल की झील में नहाकर जब बाहर निकलती है तो उसकी जो कंचन काया कैसी दमकने और झिलमिलाने लगती है। ठीक ऐसे ही सूर्य की किरणें नीले आकाश में झिलमिला रही हैं, जो संकेत है कि सूर्य की सवारी अब बस आने ही वाली है। अचानक उषा काल का मंत्र मुग्ध कर देने वाला सौंदर्य रूपी तिलिस्म टूट जाता है क्योंकि अब सूर्योदय क्या है हो चुका है और सौरमंडल का सबसे चमकता तारा अपने पूरे ओज और आभा के साथ आकाश में
काफी सुंदर सूर्य की किरणों की तुलना गोरे वर्ण वाली सुंदरी से की गई है। सूर्योदय होते ही प्रातः काल के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के एकाएक गायब होने की बात कही गई। नील जल या हिल रही हो मैं उत्प्रेक्षा अलंकार माधुरी गुण विद्यमान है। अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्थिकरण संबंधी प्रश्न उत्तरों को पढ़ते हैं। याद दिया है पहला प्रश्न है कवि ने उषा काल में आकाश के गतिशील परिवर्तन को किन उपमानों द्वारा दर्शाया। दूसरा आकाश के लाल रंग की तुलना किस किस प्रकार से की गई है। चौका भी गीला पड़ा है कैसे चौका क्या है। गौर झिलमिल देख किसे कहा गया है। उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू किसे कहा गया है। प्रातःकालीन आकाश की तुलना सर्वप्रथम किस प्रकार की गई है। कविता का नाम और कवि का नाम लिखिए। उषा का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले देखिए आपको दिए हैं उत्तर। पहला है कवि ने उषा काल में आकाश की गतिशील परिवर्तन को नीले शंख सिल्वर पिसी केसर स्लेट पर लिखी खड़िया चूल्हे की राख से लिपे रसोई घर और गौर वर्ण मानव देह से आप यहां पर देखिए। दूसरा है आकाश के लाल रंग की तुलना काली सिल पर पिसी हुई केसर को धोने के पश्चात जो रंग होता है और स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया जाए तो जो रंग होता है वही लालिमा युक्त नीले आकाश का रंग होता है। फिर है चौका अभी गीला पड़ा है अर्थात चूल्हे की राख से ही उसे भोजन पकाने के पश्चात क्या किया था लीप दिया जाता है। चौका रसोई घर। चौका किसको कहते हैं रसोई घर। जब सूर्योदय पूर्ण हो जाता है तब नीले आकाश पर स्वर्णिम आभायुक्त सूरज चमकता है। उसी प्रकार गौर वर्ण देव नीले सागर के स्वच्छ जल में क्या है झिलमिलाती है। सूर्योदय के पश्चात उषा का जादू क्या हो जाता है टूट जाता है। सूर्योदय के पश्चात इसका जादू उषा का जादू टूट जाता है। फिर है उषा का जादू प्रातः काल से सूर्योदय होने तक जो जो परिवर्तन आसमान में हर क्षण होता जाता है उसको कहा जाता है। उषा का जो जादू है सूर्योदय होने से जो परिवर्तन आसमान में हर क्षण होता है उसको कहा जाता है। प्रातः कालीन आकाश की तुलना किससे की है नीले शंख से की गई है। और कविता का नाम उषा। कविता का नाम क्या है उषा और कवि का नाम क्या है शमशेर बहादुर से है। और जो प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे है नीले शंख से की गई। किस शंख से नीले शंख। उषा का तात्पर्य सूर्योदय से ठीक पहले का समय। उषा का तात्पर्य सूर्योदय से ठीक पहले का समय। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया और समझाया कवि परिचय बताया। आप लोग परीक्षा के लिए इसको तैयार करेंगे। इसके आगे के जो प्रश्नोत्तर हैं हम आगे क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।